हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, सीटेट का जैसे एग्जाम हुआ था 7 जुलाई को, सबसे पहले आंसर की आपके लिए डालने वाला स्टडी पोर्टल था। ऑथेंटिक आंसर की आपके लिए एक्सपर्ट से तैयार करवाई गई और ज्यादातर बच्चों के नंबर जितने बताए थे लगभग उतने ही आज रिजल्ट में मिले हैं। अब मुद्दा यह है कि जो ऑफिशियल आंसर की बोर्ड की आई थी उसमें चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ। जब आंसर की को चैलेंज कर रहे थे तो कुछ बिल्कुल निराशाजनक टाइप के जो लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, वो कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला, सीबीएसई किसी की नहीं सुनता, पैसे कमाने का साधन है। दोस्तों, वो सारी चीजें ठीक है, अपनी जगह आपका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन रिवाइज आंसर की जो आई है जिसके आधार पर रिजल्ट डायरेक्ट निकाला है, मैं स्टडी पोर्टल में मैं खुद पहला ऐसा इंसान था यूट्यूब के ऊपर जिसने सबसे पहले ये कहा था, क्लासरूम में भी हमारे और यूट्यूब पर भी, कि रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। रिवाइज आंसर की डायरेक्ट नहीं आएगी, इनडायरेक्ट आएगी, यानी रिवाइज आंसर की आपको दिखाई नहीं जाएगी, बल्कि रिवाइज आंसर की के ऊपर आपको सीधा रिजल्ट दिया जाएगा। और नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इसमें भी मैंने कहा था कि नंबर बढ़े या कम हो, बट चेंज जरूर होंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो आइए देखते हैं कुछ बच्चों के स्कोर को। ये हमारा स्टूडेंट है एक मिस्टर भास्कर, इसने कहा है कि इसने रिजल्ट भेजा अपना, हमने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला कि मैंने पूछा कि आंसर किसे आपको ज्यादा है या कम रिजल्ट के अंदर। इसने कहा कि पेपर एक में 2 नंबर कम और पेपर 2 में 2 नंबर ज्यादा, यानी आंसर कम भी हुए हैं, आंसर ज्यादा भी हुए हैं। चैलेंज लिया गया, चैलेंज के आधार पर बोर्ड ने अपनी गलतियां देखी और गलतियों के आधार पर बोर्ड ने अपने रिजल्ट को चेंज कर दिया। अब जिन बच्चों के चैलेंज सुने गए उनको बोर्ड कॉन्टैक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और उनका अमाउंट जो है वो रिफंड होने वाला है। दूसरा एक बच्चा और है हमारे स्टूडेंट, एक वही है पूजा पीटेट में, पूजा सीटेट की। इसने कहा कि सर मेरा इसने रिजल्ट भेजा, हमने कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक। इन्हें कहा कि मैंने पूछा कि आपको नंबर कम आए या ज्यादा आए उसके अकॉर्डिंग, तो इसने कहा कि सर जो पेपर 2 में है वो इसके 79 थे पहले, लेकिन अब जो आए हैं वो इसके 86 आए हैं, यानी 7 नंबर इस बच्चे के बढ़े हैं। इस बच्चे से भी हमने पूछा था कि ये नंबर मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ऊपर सर्वोपरि है। इसने कहा कि सर मैं पहली बार 93 बोल रहा था लेकिन अब 101 आए हैं, यानी 60 से 8 नंबर का चेंजिंग आपको यहां भी नजर आया है। और ये भी बच्चा आपको ईवीएस और मैथ इसमें दिख रहा है, तो ये बच्चा आपका पीआरटी का है। तो दोस्तों, पीआरटी के अंदर 6, 7, 8, 9 तक नंबर बढ़े हैं और टीजीटी में कुछ बच्चों के कम हुए हैं तो कुछ के ज्यादा हुए हैं। तो जो बच्चे ये कह रहे थे जो लोग कि कुछ नहीं होने वाला है, वो आज महसूस तो करेंगे लेकिन उनको पता है कि वो बिना वजह के बवाल मचा रहे थे। तो दोस्तों, जिन बच्चों के नंबर बढ़े हैं उनको मुबारकबाद, जिन बच्चों के नंबर कम हुए हैं निराश मत होजिए, क्योंकि नंबर उसी का था जिसको ठीक आंसर किया था, बोर्ड ने अपने गलती से किसी को दिया था तो वो एक अलग चीज है। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भेजें, सभी साथियों के पास भेजें कि जो नंबर है वो बढ़े हैं। अगर किसी का पहले क्लियर नहीं था या वो निराश हो चुका था आंसर की को देख करके, रिवाइज की को अभी इससे पहले जो ऑफिशियल आंसर की आई थी, उसे कहिए कि अपना दोबारा रिजल्ट देखिए, साथियों के रिजल्ट देखिए। थोड़ी सी साइट में प्रॉब्लम चल रही है, सर्वर बिजी हो रहा है, तो शाम तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फैलाइए। और रिजल्ट मैंने पहले भी जब आंसर की आई थी ऑफिशियल, तब भी हमारे 257 बच्चों का रिकॉर्ड आपको दिया था। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई, उसमें कुछ बच्चों को दिखाया, ये भी आप हमारे स्टूडेंट देख सकते हो। शाम तक जो 250-300 बच्चे हमारे हैं उन सभी के रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे, जिन बच्चों ने अच्छे लेवल से क्वालिफाई किया है। जैसे हिमांशु हमारा है, इसके 150 में से 107 आए हैं, जो 30 में से 29 जिसको सिर्फ सीडीपी में 1 नंबर इसका कटा है, और अब भी हम सोच पा रहे हैं कि नंबर कहां से कटा, क्योंकि हम एकमात्र ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को स्टडी मटेरियल जो देता है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पैड की पैडागोजी की बुक में पहले हमारा चैप्टर पूरा एक्सप्लेन है, हर चैप्टर के बाद 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन है, पूरे सिलेबस को चैप्टर और एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर डिफाइन किया गया है ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। मैथ में 60 में से 43 और यहां पर आप साइंस में देख सकते हो 21, इसमें भी आप 21-22 का आपका स्कोर यहां पर आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, एक अच्छा स्कोर हम लोगों ने देने की कोशिश की थी ताकि आप लोगों को इसका फायदा हो जाए, और आने वाले समय के लिए आप तैयारी जारी रखिए। अगर आपको अगले सीटेट का, अगर आपका नहीं हुआ सीटेट के लिए नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। बीएसएसबी, एनवीएस और केवीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी आप लोग मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद। और अपने कितने नंबर आइए हमें बताइए जरूर, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। धन्यवाद।